आंदोलन की बात किया है तो मुझ पर एफआईआर की। विधायक जी, मैं मिश्री लाल यादव का बेटा हूँ, दो बार उस पंचायत से मुखिया हूँ जहाँ से आप विधायक हैं। मालूम नहीं है जो प्राथमिकी क्या दर्ज हुई है इस संबंध में, मतलब मुरारी मोहन झा जी केवटी के विधायक हैं और केवटी हमारा जन्मस्थल है, वैचारिक टकराहट हो सकती है, लेकिन केस क्या हुआ है वो हमें जानकारी नहीं है, पता करते हैं। बहादुरपुर थाने का ये मामला है जिसकी आप बात कर रहे हैं कि इसमें केवटी के विधायक श्री मुरारी मोहन झा जी ने एफआईआर दर्ज कराया है, कंप्लेन आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति के द्वारा उनके फेसबुक पर आपत्तिजनक कमेंट को डिफेमेटरी पोस्ट किए जा रहे हैं। दरभंगा भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं, भाजपा विधायक ने भाजपा विधायक के पुत्र के खिलाफ कराई प्राथमिकी, तो विधायक पुत्र ने कहा प्राथमिकी से मैं डरने वाला नहीं। दो दलों के बीच देखिए बहस, झड़प और टकराव से लेकर एफआईआर तक मामले पहुंचने की तो बात आपने देखी और सुनी होगी, लेकिन आपने शायद ही सुना होगा कि अपने ही दल के विधायक अपनी ही पार्टी के विधायक या उनके परिवार पर कोई एफआईआर करवाया हो। दरअसल कुछ ऐसे ही दिलचस्प नजारा दरभंगा में देखने को मिल रहे हैं, जहां भाजपा के विधायक ने अपने ही पार्टी के विधायक के बेटे पर मुकदमा दर्ज करवाते हुए कहा है कि उनके ऊपर सोशल मीडिया पर झूठा आरोप लगाकर उनकी छवि खराब करने का काम किया जा रहा है। इस मामले में एसडीपीओ अमित कुमार ने प्राथमिकी दर्ज होने की पुष्टि की है। दरअसल मुरारी मोहन झा केवटी विधानसभा के भाजपा विधायक हैं। उन्होंने अलीनगर के भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव के पुत्र पर सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी छवि खराब करने की बात कहकर बहादुरपुर थाना आवेदन देते हुए कहा है कि धीरेन्द्र कुमार धीरज सोशल मीडिया पर उनके विरुद्ध अपमानजनक और आपत्तिजनक पोस्ट करके उनकी छवि खराब करने का काम किया है। उन्होंने बताया है कि धीरेन्द्र कुमार धीरज 18 मई को मेरे विरुद्ध अपने फेसबुक पेज पर एक अपमानजनक पोस्ट किया है। इस पोस्ट की वजह से मेरे आत्मसम्मान को क्षति पहुंची है। वही विधायक ने कहा है कि धीरेन्द्र कुमार धीरज ने फेसबुक पेज पर अपने पोस्ट के माध्यम से मोहम्मद इकबाल अंसारी की तस्वीर लगाते हुए लिखा, इस महापुरुष को आप पहचानते होंगे, ये केवटी पंचायत के पंचायत समिति के पति मोहम्मद इकबाल अंसारी है, जो केवटी के विधायक मुरारी मोहन झा के आशीर्वाद से शराब का अवैध धंधा करते हैं, लेकिन केवटी पुलिस ने हिम्मत दिखाकर इन्हें गिरफ्तार किया है। विधायक अपना होटल चलाते हैं और अपने लोगों से अवैध शराब बेचवाते हैं। केवटी को कलंकित करवाने वाले इस विधायक को जनता माफ नहीं करेगी। जन आंदोलन की बात किया है तो मुझ पर एफआईआर की। विधायक जी, मैं मिश्री लाल यादव का बेटा हूँ, दो बार उस पंचायत से मुखिया हूँ जहाँ से आप विधायक हैं। आपके कृपा से धीरज ज्यादा राजनीति नहीं कर रहा है, क्योंकि के आप आवाम गरीब गुरबा क्योंकि के खेत खलिहान में काम करने वाले नौजवान साथियों के विश्वास पर अडिग होकर के राजनीति कर रहा है। आपके एफआईआर से धीरज यादव डरने वाला नहीं है और गरीब गुरबा की आवाज को आप बंद नहीं। मुझे मालूम नहीं है जो प्राथमिकी क्या दर्ज हुई है इस संबंध में, मतलब मुरारी मोहन झा जी केवटी के विधायक हैं और केवटी हमारा जन्मस्थल है, वैचारिक टकराहट हो सकती है, लेकिन केस क्या हुआ है वो हमें जानकारी नहीं है, पता करते हैं उसके बाद बताएं। बहादुरपुर थाने का ये मामला है जिसकी आप बात कर रहे हैं कि इसमें केवटी के विधायक श्री मुरारी मोहन झा जी ने एफआईआर दर्ज कराया है, कंप्लेन आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति के द्वारा उनके फेसबुक पर आपत्तिजनक कमेंट कुछ डिफेमेटरी पोस्ट किए जा रहे हैं। कांड को दर्ज कर लिया गया है। एफआईआर संख्या 279/23 है।